वेलकम विजय साडा दिस साइड फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी। आज सीए फाइनल का रिजल्ट्स था और कई लोग सीए बने, मेरे भी काफी स्टूडेंट्स सीए बने जिन्होंने एग्जामिनेशन के साथ डायरेक्ट एक्सेस को क्लियर किया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। ये वीडियो उन तक के जरूर पहुंचाना जिनने कभी भी तुम्हारे लाइफ के अंदर में शक किया था कि तुम कभी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते और आज तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। यस, कल तक जो तुम्हें आर्टिकल समझते थे आज उन्हें खुशी से कहना कि भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। अपने सोशल मीडिया पे ये नाम जरूर लगाना। मैं आपको बता दूं ये रिजल्ट इतना आसान नहीं था, ना ये एग्जाम इतनी आसान थी। आपने बहुत मेहनत करी। क्या अलग था इस एग्जामिनेशन में? कोविड। इस कोविड सिचुएशन में जहां स्कूल और कॉलेजेस ओपन होने से डर रहे थे, वहां पे आपने डिटरमाइन किया कि आप इस एग्जामिनेशन को देंगे। जी हाँ, जब सब लोग घर के अंदर में मजे कर रहे थे, जब सब लोग लॉकडाउन के पूरे मजे ले रहे थे, वो आप थे जिन्होंने अपनी बुक को खोल करके बैठा और ये सोचा कि नहीं यार, सिचुएशन कोई भी हो, हम इस एग्जामिनेशन को देंगे और क्लियर करेंगे। आपने पूरे ऑड्स से लड़ा, आपने उस टाइम पे भी इस एग्जामिनेशन के लिए हाँ कहा जब खुद इंस्टीट्यूट इस बात पे कंफ्यूज थी कि क्या एग्जामिनेशन लेना है, नहीं लेना है और क्या करना है। गाइडलाइंस कुछ भी हो, आप उठे, आप कहां तक पहुंचे, आप एग्जामिनेशन सेंटर तक के पहुंचे, वो 3 घंटे जो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं इंडिया की टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन के लिए, आपने उनसे लड़ा और आज उस एग्जामिनेशन को फ्लाइंग कलर के साथ क्लियर किया। शायद ये कुछ बातें जो आज मैं इस वीडियो में कह रहा हूं आपके दिल तक को छू जाए, और अगर छू जाए तो अपने उन सभी दोस्तों को भेजना आज की इस बात को। जब पहली बार तुम इस कोर्स के लिए आए थे ना, तुमको खुद को नहीं पता होगा कि तुम सच में इस कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तरह तरह की बातें सुनते हम इस कोर्स के बारे में कि यार इतने घंटे पढ़ना पड़ता है, उतने घंटे पढ़ना पड़ता है। आज तुम इस बात को रियलाइज कर पाओगे कि वो सारे घंटे 16, 18, 20, 22, इनफैक्ट कई केस में 24 भी, वो सब वर्थ था। आने से पहले कई बार सुनते हैं कि इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, आपका इंटेलेक्चुअल बहुत हाई होना चाहिए, आपको भी पता था, आप एवरेज होने के बावजूद भी इस चीज को कर लिए, आज वो सब कुछ वर्थ था। वो सारी छुट्टी जो तुमने नहीं ली, वो सारे संडेज जो तुमने नहीं मनाए, वो सारी किताबें जो तुमने खुद झोंक झोंक के पढ़ी, वो सारे अमेंडमेंट जो तुमने 10 बार पढ़े, आज तुम्हें लगेगा वो सारी चीजें वर्थ थी। वो सारी चीजें, वो सारे फंक्शन जो तुमने मिस किए, वो सारे दोस्तों की गैदरिंग जो तुमने मिस की, आज तुम्हें लगेगा कि वो सब साकार हुआ। जब तुम पहली बार फाउंडेशन एग्जाम के अंदर में आए, तो पहली बार एग्जामिनेशन को क्लियर किया था, तो तुमको पहली बार खुद के ऊपर एक प्राउड महसूस हुआ था कि हाँ यार मैं इस एग्जामिनेशन को कर सकता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स तब भी रोए थे और एक उम्मीद जागी थी कि हाँ यार तुम कुछ कर सकते हो। आईपीसीसी के अंदर में आए होंगे, इंटर के अंदर में आए होंगे, तब तुम्हारे को ऐसा लगा होगा यार ये तो सिलेबस बहुत बड़ा है, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और तुमने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया, किसी ने 2 ग्रुप के साथ, किसी ने 1-1 ग्रुप के साथ, और इसे भी पूरा किया। फिर आई वो तकलीफ भरी जिंदगी जहां पे तुमने आर्टिकल जैसा काम किया और किसी के पर्सनल काम किए, किसी के लिए काम किया, डांट खा के काम किया, कम पगार पे काम किया, लेकिन इस काम को भी पूरे ईमानदारी से पूरा किया। फिर आई वो फाइनल की घड़ी जहां पे तुमने आर्टिकलशिप के साथ साथ पढ़ाई करी, डांट खाते खाते पढ़ाई करी, और अपनी उम्र का तकाजा ना देखते हुए भी तुमने पढ़ाई किया। जब सब कह रहे थे कि तुम शादी कर लो, जब सब कह रहे थे तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हें बहुत सारे अटेम्प्ट लग चुके हैं यार, कितना और पढ़ोगे, कितनी बार करोगे, बिजनेस में आ जाओ, ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, उसके बावजूद भी तुम इसके अंदर में टिके रहे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। पास या फेल इतनी बड़ी जीत, पास या फेल सिर्फ आपको डिटरमाइन नहीं कर सकता, ये जो जीत है ना, ये तुमने अपने आप के ऊपर पाई है, और मेरे हिसाब से आज तुम इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्राउड होना चाहिए। रिजल्ट का दिन था, कल तक के तुम एक आम आदमी थे और आज तुम एक आम आदमी नहीं रहे हो, आज तुम एक नाम और पहचान बना लिया, आज तुमने वो काम पूरा कर लिया जब तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड होंगे। आज भी जब रिजल्ट आया होगा, रिजल्ट आने से पहले तुमको खुद को नहीं पता होगा क्या होगा, और रिजल्ट आने के बाद तुम्हारे घर के अंदर की जो खुशियां होंगी, लोगों का तुम्हें देखने का तरीका होगा, अरे आज तो तुम्हें उन लोगों ने भी शाबाशी दे दी होगी जो लाइफ में कभी तुम्हारे बारे में ये कहते थे कि तुमसे ना हो पाएगा, और बस इसी डिटर्मिनेशन के साथ तुमने आज वो अचीव कर लिया। भले ही तुम्हें नाम कहीं किसी और ने दिया हो, लेकिन इस नाम के आगे एक डिग्री आज तुमने लगा दी, और इससे बड़ी जीत तुम्हारी नहीं हो सकती, इससे बड़ा रिजल्ट नहीं हो सकता। सीए के रिजल्ट हर 6 महीने के अंदर में आते हैं, पर ये रिजल्ट जो था, ये बहुत अलग लेवल का रिजल्ट था, जहां पे तुम्हारा स्ट्रेंथ टेस्ट हुआ। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं तुमको, और एक चीज की प्रेरणा तुम ही से मिलती है कि बॉस मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है।
और जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, अगर आज तुम जीत गए हो तो इसके आगे भी जीतोगे। मैं चाहता हूं पूरे डिटर्मिनेशन से कि आपने आज जो ये रिजल्ट अचीव किया है, आप इसके आगे बहुत फ्लाइंग कलर अचीव करना। लाइफ में अगर कभी भी प्रॉब्लम आ जाए तो अपने इस इंसिडेंट्स को याद करना, क्योंकि इसके बाद तुम एक ऐसी जर्नी पर जाओगे जहां पर तुम्हें लोग एक बहुत अलग नजर से देखेंगे। जब भी आगे जाओगे हमेशा इस बात को याद रखना कि तुमने इतना स्ट्रेसफुल टाइम भी देखा है, तुम हिस्ट्री के अंदर में एक नाम दर्ज करा चुके हो। तुम्हें रैंक आया या नहीं आया डजंट मैटर, बट अगर आज तुम सीए हो तो ये तुम्हारी कैपेबिलिटी है, तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया। और इसके आगे भी कभी कठिनाइयों वाला समय आएगा तो डरना मत, और अपने पेरेंट्स को और प्राउड फील करवाना। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ आए हो, और बॉस इसके आगे किसी की भी सुनना मत, क्योंकि आज तुमने अपनी जिद पूरी कर ली, आज तुमने अपने आप को खड़ा कर दिया। और भाई साहब अगर पॉसिबल हो तो ऐसे ही किसी बच्चे को आप फिर से खड़ा कर देना। जब भी आपका कोई दोस्त भाई यार रिश्तेदार जिसका पॉजिटिव रिजल्ट ना आया हो, उसे बस ये वीडियो पहुंचा देना और बोल देना कि कोई बात नहीं, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आज अगर मैं इसे कंप्लीट कर चुका हूं तो तू भी इसे कंप्लीट करेगा। और हम हर दोस्तों तक के एक पॉजिटिव मोटिवेशन पहुंचाएं कि कोई बात नहीं, रिजल्ट पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता, रिजल्ट रिजल्ट होता है और अपनी मेहनत करना होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट डजंट मैटर। आज दो रिजल्ट ऐसे आए जिनने मेरा मन छू लिया। एक बच्चा था, 24 अटेम्प्ट्स लग चुके थे। कितने? 24 अटेम्प्ट्स लग चुके थे। 24 अटेम्प्ट्स के बाद आज वो कंप्लीट कर चुका है। उसकी जिंदगी कहीं नहीं रुकी। ही वाज एन अकाउंटेंट, उसका शादी हो चुका था, उसका फैमिली था, वो कमा रहा था, बट फिर भी एक जिद नहीं छोड़ी कि इस कोर्स को कंप्लीट करना है। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये कोर्स नहीं, ये अलग लेवल का मोटिवेशनल कोर्स है। Yes, उसके बाद में एक मदर से मिला जो 3 साल के बच्चे की माँ है, और उसके बावजूद भी उनने इस कोर्स को कंप्लीट किया। मेरे हिसाब से इससे बड़े मोटिवेशंस क्या हो सकते हैं। सर आपने आज कुछ अचीव करके दिखाया, अपने आप पे प्राउड करें और तुम्हारी फैमिली को तुम पे अब प्राउड होगा ही होगा। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, यू टेक केयर। और इसके आगे लाइफ के अंदर में बहुत कुछ करना है, सोच समझ के अपनी जिंदगी के आगे के डिसीजन ले लेना, पर अब किसी की सुनना मत और अपनी रफ्तार को रोकना मत। अब बस बढ़े जाओ।